सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी शॉर्ट सिंपल बट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो ये इंटरकॉम है, ब्लूटूथ इंटरकॉम हेलमेट के लिए जो आते हैं, ये माउंट करके दिखाऊंगा हेलमेट पे। सो कई लोग जो है इजीली माउंट कर लेते हैं, बट कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी आती है माउंट करने में। सो मैं ए टू जेड जो है आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंटरकॉम माउंट कर सकते हैं अपने हेलमेट पे। सो मेरे पास जो है एक पेयर है, एक पी सी एरा और दूसरा पी सी एरा। सो ये मैंने अपने फ्रेंड से बाय किया है, उसके लिए जो है ऑलमोस्ट यूज़लेस था, वो यूज़ नहीं कर रहा था। तो शुरुआत करते हैं। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैंने गोप्रो हीरो सेशन माउंट कर रखा है। सेशन जो है मुझे काफ़ी पसंद आता है, छोटा सा आता है, स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं होता, सिंगल क्लिक पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। सो इस वजह से मेरे को पसंद है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी, बट नाइट टाइम में क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो इसका भी मैंने काफ़ी बढ़िया सा माउंट कर रखा है। काफ़ी लोग देख के बोलते हैं कि भाई आपने माउंट बहुत अच्छा किया है। तो आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके का माउंट किया हुआ है मैंने। कम जॉइंट्स हैं एंड बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेट एंगल भी देता है। आते हैं अपने पॉइंट पे, इंटरकॉम माउंट करने पे। तो सबसे पहले जो है आपको हेलमेट के अंदर की जितनी भी पैडिंग्स वगैरह होती है वो सारी निकालनी पड़ेंगी। तो वो तो ईजी है, वो तो आप कर ही लोगे। ऐसे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है इस तरीके कुछ, पता नहीं क्या कहते हैं, टच बटन टाइप कुछ होता है। इसके थ्रू आपको पूरे हेलमेट के ये पैडिंग्स वगैरह जो है दोनों साइड के वो निकालने पड़ेंगे। एंड जो मेन जो पूरा कंप्लीट होता है ये वाला, शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको निकालने की। ये तो हमने निकाल दिया, इसको करते हैं साइड। यहाँ पे जो है इंटरकॉम का, तो आप ये देख सकते हो इंटरकॉम का एक साइड का स्पीकर, ये दूसरे साइड का स्पीकर, ये उसकी वायर एंड ये जो है माइक, और ये चिपकाने के लिए होता है। तो इसको आप हेलमेट पे चिपका दो इस तरीके से, देन ये जो है इसके पीछे इस तरीके से वेलक्रो के साथ चिपक जाएगा इस तरीके से। मैं आपको स्टार्टिंग बताता हूँ। कई लोग जो है पहले इसको ईयर पीस वगैरह इन सबको माउंट करते हैं, बट मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है वो कि आप पहले इंटरकॉम लो, परफेक्ट से लोकेशन देख लो, आप एक बार हेलमेट पहन लो, उसके बाद देख लो कहाँ पे आपका हाथ अच्छे से पहुँच रहा है बटन वगैरह दबाने के लिए। पहले जो इंटरकॉम को आप माउंट कर दो। इंटरकॉम को भी माउंट करना ईजी है। इसके पीछे जो है कुछ इस तरीके से दो ऑप्शन आते हैं इसमें भी, आप ये देख सकते हो। एक इस तरीके का वेलक्रो मिलता है साथ में इस तरीके से। एक जो है आपके हेलमेट पे चिपक जाएगा ऐसे, जो भी है जैसे भी है, मैंने उल्टा पकड़ा है कोई नहीं। तो हेलमेट पे एक इस तरीके से चिपक जाएगा एंड एक जो है आपके ये वाला पीस हटा दोगे तो ये इस पे चिपक जाएगा। देन आपको क्या करना है, जस्ट इसको इसको जो इसके ऊपर चिपका दोगे, कहीं अगर आपको इंटरकॉम हटाना है तो वेलक्रो की मदद से इसको इस तरीके से उखाड़ लेना, आपका इंटरकॉम जो बाहर आ जाएगा। बट अगर आपको इस मेथड से नहीं करना है ये चिपका के, थोड़ा सा परमानेंट सॉल्यूशन रखना है। इसको रख के साइड में, एंड इसमें जो है कुछ इस तरीके से आता है क्लिप टाइप का। तो ये क्लिप मैंने लूज़ कर लिया है, ये एलन के साथ में आती है, इसको थोड़ा सा लूज़ करो एंड ये आप देख सकते हो ये गैप बन गया। अब इसको जो है आपको इंटरकॉम में शेल के बीच में जो है ये वाला जो पार्ट है इसके बीच में इसको फिक्स करना है। तो ये फिक्स हो गया एंड अब इस साइड से जो है आप स्क्रू को टाइट कर दो। इंटरकॉम आपका माउंट हो गया। तो आप देख सकते हो किस तरीके की लुक आ रही है एंड सही है। तो इंटरकॉम माउंट हो चुका है। अब जो है ये वायर आप देख लो, वायर कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगेगा एंड तो ये ऐसे रहने वाला है। वायरिंग आप देख लो, हाँ प्रॉपर है, कहीं कुछ लगने वगने वाला नहीं है। इसके अंदर से जो है यहाँ से वायरिंग मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो अब करते हैं वायरिंग का काम स्टार्ट। इसको बाहर निकाल लो, इसको लगे रहने दो, ठीक है। अब जो है स्टार्ट करते हैं अपने ईयर पीस से। तो इससे स्टार्ट करेंगे, पहले जो इस साइड का ईयर पीस लगेगा उसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा जो ये वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे वेलक्रो चिपका हुआ है। यहाँ पे जो है कंपनी की तरफ से एक छोटा मतलब होल सा आता है, स्पेस सा बना हुआ आता है। यहाँ पे जो है हम अपने इंटरकॉम के ईयर पीस वगैरह फिट कर ले, उसी लिए ये स्पेस बना हुआ आता है। शुरुआत करते हैं सीधा, जो इस साइड के ईयर पीस लगना है इसको इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। वेलक्रो ऑलरेडी लगा हुआ है तो जस्ट पेस्ट कर दिया मैंने। गाइस, देन ईयर पीस आपने फिक्स कर दिया। अब जो है ये माइक जो होता है, माइक की वायरिंग जो है मैं इस वाले
पोर्शन के बीच में डाल रहा हूँ। आप चाहो तो इसके ऊपर भी चिपका सकते हो, यहाँ पे इसके लिए भी सेपरेट वेलक्रो आता है, तो वेलक्रो यहाँ पे चिपका के देन इसके ऊपर माइक को इस तरीके से लगा सकते हो, तो माइक जो आपका अंदर फिक्स हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा माइक को, थोड़ा सा मेरे को इसको भी परमानेंट चाहिए क्योंकि वेलक्रो जो है उखड़ सकता है। सो मैं इसको जो इस स्पेस के बीच में डाल रहा हूँ, देन ऊपर से जो पैडिंग वेडिंग आ जाएगी तो ये टाइट हो जाएगा अच्छे से। सो इसको जो अंदर डाल देते हैं। सो माइक जो है यहाँ आ गया, एंड बिल्कुल अगर स्ट्रेट में लगाते हैं तो कई बार क्या होता है वो आपके मुंह में जो माइक बिल्कुल टच होता है एंड कुछ बोलते हो तो हवा की आवाज़ ज़्यादा जाती है, तो थोड़ा सा साइड में लगाना ही सजेस्टेड होता है। कई लोग जो है साइड में ही लगाते हैं, बिल्कुल सेंटर में नहीं लगाते, हल्का सा या तो इधर या तो फिर हल्का इधर। सो मैंने भी जो यहाँ लगा दिया है, आपका माइक लग गया है। अब आप देख सकते हो आपके पास बच रहा है आपका ये सॉकेट वाला एंड ये आपका दूसरे साइड का ईयरपीस। जो है आप इस सॉकेट को इसके अंदर फिक्स कर दो एंड जो ये वाला वायरिंग पोर्शन है इसको सेट कर दो। सो गाइस, जो मैं माइक को अंदर इधर बीच में फिक्स करने वाला था वो प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि जो पैडिंग भी जो है इसी जगह अंदर जाने वाली है, सो वो जो है टकराने वाला है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर ही जो है माइक का ये वाला पोर्शन फिक्स कर रहा हूँ। सो वेलक्रो वाला पार्ट मैंने लगा दिया है इसके ऊपर, जस्ट ये माइक का ये पार्ट फिक्स करना है। सो ये फिक्स हो चुका है एंड आप देख सकते हो माइक जो है जस्ट आप एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। सो गाइस, माइक फिट हो चुका है, अंदर वाला ईयरपीस फिक्स हो चुका है। अब जो है आप दूसरा ईयरपीस फिक्स मत करो अभी आपको वायरिंग सेट करनी है। सो जो यहाँ की पैडिंग है इस साइड की, जो इस साइड की पैडिंग है, पैडिंग लगा लो तो तब आपको पता लग जाएगा कि मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है। मेन प्रॉब्लम आती है वायर जो है अंदर तक पास होने में दिक्कत आती है। सो यहाँ से अगर आप जैसे मान लो यहाँ तक आपकी पैडिंग लग रही है, तो यहाँ से अगर आप वायर पास करके लोगे तो ये जो है छोटी पड़ने वाली है, अंदर तक के ईयर पीस के लिए छोटी पड़ेगी। सो करने को थोड़ा बहुत जो जुगाड़ करना पड़ता है अगर परमानेंट अच्छा सा सोल्यूशन चाहिए तो। सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वायर को पास करूँगा यहाँ से नहीं बल्कि यहीं से, लेकिन ये जो है ये अड़ने वाला है इस तरीके से। सो इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कट मार दूँगा एंड वायर इसके थ्रू पास कर दूँगा। सो गाइस, यहाँ कट मार दिया मैंने, अब कोई बात नहीं अंदर ही रहेगा एंड हेलमेट की प्रोटेक्शन से जो है इस चीज़ का कोई रिलेशन नहीं है। सो अब अगर अच्छा सा परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो थोड़ा बहुत तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो इस होल में जो है यहाँ पे अंदर की साइड प्रॉपर जो है वायर फिक्स हो चुका है एंड इस पैडिंग को वापस अंदर डाल देता हूँ जगह पर। अब आप देख सकते हो वायर जो है यहाँ से पास हो चुकी है एंड इस साइड से निकल के आ चुकी है एंड यहाँ पे अच्छी खासी लेंथ है, छोटी नहीं बड़ी वायर, तो इसको जो यहीं कहीं एडजस्ट कर देता हूँ, यहीं चिपका देता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आप देख सकते हो ये पूरा हो चुका है, यहाँ तक यहाँ की पैडिंग लग चुकी है। देन ये जो आपका दूसरा ईयर पीस है ये लटक रहा है, तो इसको अब मैं बताता हूँ मैंने ऐसे क्यों छोड़ा। अगर आप चाहते हो तो इसको इसके अंदर की साइड से वायर को निकाल के ला सकते हो, बट अंदर तक वायर ठूसना भी जो है एक टास्क हो जाता है। किसी किसी हेलमेट में मिल जाएगा, बट ये एक्सोर एसएम के थोड़े से बहुत टाइटली फिट होते हैं यहाँ से, तो यहाँ से डालना थोड़ा दिक्कत आएगा। आप चाहो तो आगे से यहाँ से निकाल सकते हो, बट उसके लिए आपको ये वाला पोर्शन पूरा खोलना पड़ेगा। वैसे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें जो है वायर किसी में छोटी पड़ सकती है, किसी में हो सकता है प्रॉपर पहुंच जाए। मेरे केस में बिल्कुल एग्जैक्ट फिट आ रही थी, सो मैंने वैसे नहीं किया। एक बहुत सिंपल बहुत इजी वे बताता हूँ आपको, जो ये अंदर वाली पैडिंग होती है, अंदर तक आपको नहीं दिख रहा होगा बट अंदर जो पैडिंग होती है, ये अंदर की पैडिंग है, ये ऐसे उखड़ जाती है एंड इसके जो पिंस होते हैं वो इधर की तरफ लगे होते हैं। सो यहाँ से ये आप दिख रहे होगे रेड रेड। सो मैं क्या करने वाला हूँ, अंदर वायरिंग है पैडिंग के अंदर से इसको निकाल देता हूँ। ये निकल गया, तो मैंने अंदर वाली जो पैडिंग होती है उसके अंदर से वायर निकाल के, ये आप देख सकते हो अंदर से वायर आ गई है एंड ये रहा पोर्शन दूसरे साइड के ईयर पीस लगाने का। सो जो है इसको जस्ट यहाँ पे चिपका देना है। सो गाइस, ये लग चुका है दूसरी साइड का पैडिंग भी एंड माइक जो है थोड़ा सा बाहर है, तो उसको वायर में अभी एडजस्ट कर देता हूँ अंदर एडजस्ट। सो गाइस, फाइनली जो इंटरकॉम पूरा लग चुका है एंड बाहर से आप देखो तो कुछ भी खास एक्स्ट्रा नहीं है, जस्ट इंटरकॉम दिख रहा है। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड यहाँ से जो है वायर अंदर जा रही है।
बस इतना सा वायरिंग एंड अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो है माइक, माइक मैंने एडजस्ट कर दिया है। सो ये था छोटा सा सिंपल सा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड इस टाइप के आपको कुछ और इससे रिलेटेड कुछ भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर से करना एंड एक लाइक ज़रूर से कर देना अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।